हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर सीट। आज हम फिर से एक नया एपिसोड लेके आए हैं अपकमिंग बाइक्स के लेकर। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप उस फर्स्ट एपिसोड को चेक कर सकते हैं। उसी में हमने ये दूसरा एपिसोड लाया है, पर आज हमने कुछ चेंजेस किए हैं इसमें। चेंजेस क्या है? चेंजेस बहुत ही सिंपल से हैं। अब हम पर्टिकुलरली एक ब्रांड पे फोकस करेंगे, जैसे आज हम होंडा की बात करने वाले हैं, और इसी तरीके से हम और भी जितने भी जैसे हीरो हैं, यामाहा हैं, बजाज हैं, इन सभी की अपकमिंग जो एपिसोड्स आएंगे उसमें हम ऐड करते जाएंगे। आज हम होंडा की जितने भी अपकमिंग बाइक्स हैं जो लॉन्च होने वाली हैं, और जो डेली कम्यूटर या फिर 400 सीसी से कम की कैपेसिटी इंजन है, उन सभी बाइक्स को ही आज हम इंक्लूड करने वाले हैं। हम हायर एंड वाली बाइक्स को नहीं इंक्लूड करेंगे, जैसे अगर कोई 1000 सीसी या 500 सीसी है, इनको हम ऐड नहीं करने वाले हैं। सो बिफोर वी मूव अहेड, आई अर्ज यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। यहाँ पर आपको जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो शो कर रहा होगा, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज, that is on the biker score sheet. I am very responsive on all these pages. You can like DM me on my Instagram agar koi confusion hoti hai aapko, ya fir Facebook page pe mujhse ye sawal pooch sakte hain. So now let's start this video. फर्स्ट व्हीकल इन आवर लिस्ट इज होंडा PCX। इसके दो वेरिएंट्स, एक है इलेक्ट्रिक और दूसरा है पेट्रोल। हम दोनों के बारे में बात करेंगे एक के बाद एक। सो पहले हम बात करते हैं होंडा PCX इलेक्ट्रिक की। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसकी जो लॉन्च डेट वो जुलाई 2021 में है, जिसकी एक्सपेक्टेड जो एक्सोरूम प्राइस है 1.45 लाख है। मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर लगा रहेगा जो कि जनरेट करेगा 5.7 BHP की पावर एट 5500 RPM, और साथ ही साथ यू विल गेट अ मैसिव 18 Nm ऑफ टॉर्क। फर्दर दिस स्कूटर विल कम विद द कंप्लीट LED लाइट सेटअप, साथ ही साथ इसमें फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क मिलेंगी और ट्यूबलेस टायर विद अलॉय व्हील्स इसमें मिलेगा आपको। जो सीट हाइट रहेगी उसकी ये ऑलमोस्ट 1095 mm की होगी। बता देना चाहता हूँ कि इसमें लगा रहेगा परमानेंट मैग्नेट AC सिंक्रोनस मोटर, जिसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 50.4 वोल्ट की प्लस 20.8 Ah की है। और मैं बता दूँ कि इसके दो सेट रहेंगे, मतलब ये जो बैटरी है ये दो लगे रहेंगे, और जो इसकी रेंज मानी जा रही है अभी वो है अराउंड 80-90 किलोमीटर अगर आप इसे इकोनॉमी मोड में चलाते हैं, और अगर आप इसकी रेस ड्राइविंग करेंगे तो दैट विल गिव यू अराउंड अ रेंज ऑफ 60-70 किलोमीटर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द पेट्रोल वेरियंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होंडा PCX 160। दिस विल बी लॉन्च इन December 2021, और इसका जो एक्सो रूम प्राइस है वो अराउंड है 1.2 लाख, मतलब 1,20,000 के आसपास है। सो दिस स्कूटर विल बी पावर्ड बाई 156 cc सिंगल सिलेंडर 4-stroke BS compliant इंजन, जो कि प्रोड्यूस करेगी 15.8 BHP ऑफ पावर एट 8500 RPM और 15 Nm ऑफ टॉर्क एट 6500 RPM। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पेट्रोल वर्जन है इसका PCX का, ये लाइटर है एज कम्पेयर टू इट्स इलेक्ट्रिक वर्जन। जो इलेक्ट्रिक वर्जन है उसकी ओवरऑल वेट है 144 kg, पर वही पेट्रोल वर्जन का जो वेट है 132 kg है। इसकी सीट हाइट भी 1105 mm की, और इसकी जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 8 liters के आसपास की है। यू विल ईजिली गेट अ माइलेज ऑफ अराउंड 45-50 kilometers, एंड इन बोथ द वेरियंट्स, वेदर दैट इज इलेक्ट्रिक और द पेट्रोल, आपको मिलेगा कम्प्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और साथ ही साथ कम्प्लीट LED लाइट सेटअप मिलेगा। दोनों में आपको मिलेंगे अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर्स। सो देर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन दीज, बस डिफरेंस है दोनों के इंजन का। एक में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक और दूसरे में आपको मिलेगा पेट्रोल इंजन। सो बढ़ते आगे हम बात करें अपनी दूसरी बाइक। सो सेकेंड बाइक इन दिस लिस्ट इज होंडा हॉर्नेट 2.0 एडवेंचर। द एक्सो रूम प्राइस ऑफ दिस बाइक वुड बी अराउंड 1.4 लाख, और इसका जो लॉन्च है वो सितंबर 2021 के आसपास कभी भी हो सकता है। देखिए, ये जो इंजन है ना, इस गाड़ी का जो कंप्लीट इंजन रहेगा वो होंडा हॉर्नेट 2.0 से ही लिया जाएगा। ऑलमोस्ट 184.4 cc की सिंगल सिलेंडर, या तो ऑयल कूलिंग हो सकती है क्योंकि एडवेंचर बाइक रहेगी, या फिर एयर कूलिंग के साथ ही होंडा आगे बढ़ सकता है। BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा। जो पावर फिगर्स रहेंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, 17.26 BHP एट 8500 RPM, और साथ ही साथ 16.1 Nm ऑफ टॉर्क एट 6000 RPM।
फाइव स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आएगा। ये जरूर मैं बता सकता हूँ कि जो होंडा हॉर्नेट 2.0 उसकी डिज़ाइनिंग में थोड़ी चेंजेज आएगी, हो सकता है आपको आगे में फ्रंट में थोड़ी फेयरिंग देखने को मिल सकती है इसमें। ड्यूल डिस्क विथ सिंगल चैनल ABS जो कि अभी भी होंडा हॉर्नेट 2.0 में मिल रहा है वही आपको फैसिलिटीज में मिलेगी। ट्यूबलेस टायर्स विथ अलॉय व्हील्स, हैजार्ड लाइट, सब कुछ मिलेगा इसमें। कंप्लीट LED लाइट और साथ ही साथ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो मिलेगा डिजिटल मिलेगा आपको, एनालॉग नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर एक चीज़ एडिशन होगी, आपको विंड वाइजर मिलेगा इसमें। जो विंड सील रहती है वो पहले से कंपनी में ही लगी हुई इसमें आएगी। इसके अलावा इसका जो टैंक होगा वो 12 लीटर का रहेगा और ये डायमंड चेसिस जो रहती है उस पर बेस रहेगी। साथ ही साथ इसमें बता दूं कि आपको फ्रंट में जो डिस्क मिलेगी उसकी साइज़ 276 mm रहेगी और जो रियर में डिस्क मिलेगी उसकी साइज़ 220 mm रहेगी। 800 mm इसकी सीट हाइट होगी। एंड परहैप्स हो सकता है कि होंडा जो हॉर्नेट 2.0 में जो गोल्डन USD फोक्स लेके आई थी वही इसमें भी कंटिन्यू करे और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाए। अभी तक बहुत ही क्लैरिटी नहीं है इस पर, बट स्टिल जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इफ़ यू विल लुक एट दिस बाइक तो आपको मोस्टली ऐसा लगा कि हॉर्नेट 2.0 से बहुत सारी चीज़ें इसमें शेयर की गई हैं। सो लेट्स वेट टिल सेप्टेम्बर जब ये लॉन्च होना है, तब देखेंगे इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो द नेक्स्ट बाइक इन आवर सीरीज इज होंडा रेवल 300। इस बाइक के बारे में मैंने पहले ही बात की थी जब मेरा फर्स्ट एपिसोड आया था, उसमें मैंने बताया था अपकमिंग बाइक लॉन्चेस में होंडा रेवल 300 के बारे में। द इंजन ऑफ दिस बाइक इज ए 286cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 कंप्लाइंट इंजन और इस बाइक का जो वेट है 191 kg है। एंड फर्दर मैं बताना चाहूँगा कि इस मोटरसाइकिल में जो इंजन लगी हुई है वो CV300R का ही इंजन लगा हुआ है। इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 2.3 to 2.4 lakhs एक्स शोरूम प्राइस में बता रहा। साथ ही साथ ही अगस्त 2021 में लॉन्च होनी है इंडिया में। जो मैक्सिमम पावर इस बाइक से जनरेट होगी वो रहेगी 30.4 bhp एट 8000 rpm और जो मैक्सिमम टॉर्क ये बाइक जनरेट करेगी वो रहेगी 27.4 Nm एट 6500 rpm। 6-speed गियर बॉक्स रहेगा विथ असिस्ट एंड स्लिपर क्लच। एंड बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ दिस असिस्ट एंड स्लिपर क्लच जो गेयर और क्लच का जो ऑपरेशन होता है बहुत ही स्मूथ हो जाता है। और अगर आप कभी बहुत ही अग्रेसिव डाउन शिफ्ट करते हैं गेयर को तो आपका जो रियर व्हील होता है वो लॉक नहीं होता है। फर्दर इस बाइक में मिलेगा आपको 41mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और रियर में आपको मिलेगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा। साथ ही साथ बता दूं कि डबल डिस्क विथ ड्यूल चैनल ABS स्टैंडर्ड वेरिएंट ही आएगा, ऑप्शनल नहीं रहेगा उसमें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसमें जो व्हील साइज है वो 16 इंच की रहेगी और जो टायर सेक्शन रहेगा वो 130 सेक्शन के टायर मिलेंगे आपको फ्रंट में और रियर में आपको मिलेगा 150 सेक्शन टायर। एलॉय व्हील्स के साथ साथ ट्यूबलेस टायर के साथ ही ये बाइक आएगी। एंड फर्दर यू विल गेट अ कंप्लीट LED हेडलैम्प एंड टेल लाइट, बट इसका जो टर्न सिग्नल रहेगा वो बल्ब इंडिकेटर्स मिलेंगे। और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिल सकता है, वो एक कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल सकता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल नहीं मिलेगा। सो बात करते हैं इसके काउंटर पार्ट होंडा CVR 300R की बात करते हैं। द इंजन ऑफ दिस बाइक विल बी ए 286cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन BS6 कंप्लाइंट होगा जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 31 bhp की एट 8500 rpm और पीक टॉर्क जो ये जनरेट करेगा वो रहेगा 27 Nm की एट 7250 rpm। CVR 250R के बंद होने के बाद बहुत चांसेस थे कि CVR 300R में इंडिया में लॉन्च हो जाए। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको जो ब्रेकिंग मिलेगी वो मिलेगी 296mm फ्रंट में डिस्क मिलेगा और रियर में भी जो डिस्क मिलेगा उसकी साइज रहेगी 220mm की। ये ड्यूल चैनल ABS के साथ आएगा और साथ ही साथ सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन रहेगा 37mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स रहेंगे और रियर में आपको मिलेगा 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलेगा आपको। मैं बता दूं कि इसकी जो स्टाइलिंग है और जो लुक्स है वो कहीं ना कहीं आपको CVR 500R से इंस्पायर्ड लगेगी देखने में। आपको पता चलेगा ऐसा कि ये जो इसका टैंक का एक्सटेंशन है और इसके जो हेडलाइट्स है वो आपको समझ में आएगा कि 500R से इंस्पायर्ड है ये। आगे बता दूं इसकी जो ओवरऑल वेट है इस बाइक की वो 162 kg। इसमें जो आपको मीटर कंसोल मिलेगा इंस्ट्रूमेंट कंसोल वो देखने को मिलेगा आपको पार्शियल डिजिटल और पार्शियल इसमें मिलेगा आपको एनालॉग। इसका जो टैकोमीटर मिलेगा वो मिलेगा एनालॉग के फॉर्म में मिलेगा आपको और जो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको वो मिलेगी आपको डिजिटल कंसोल में। सो लेट्स वेट टिल अगस्त 2021 में लॉन्च होने वाला है और साथ ही साथ इसकी जो एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस है वो है 3 lakhs इंडियन करेंसी। सो लेट्स मूव अहेड।
अब बात करते हैं CBR सीरीज के छोटे वर्जन की, मतलब CBR 150R की बात करते हैं। इसके बारे में बता दो कि 149cc की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 कंप्लाइंट इंजन इसमें लगा रहेगा। 4V इंजन होगा ये, 2V इंजन नहीं होगा, इसमें 4 बल्ब रहेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो टॉप एंड की परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसके बारे में बता दूं कि ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेगा, एक रहेगा ABS में और दूसरा नॉन ABS में अवेलेबल रहेगा। जो ABS वेरिएंट रहेगा उसकी वेट रहेगी 139 kg और जो नॉन ABS वेरिएंट उसकी वेट रहेगी 137 kg। एक बार इंजन की बात कर लेते हैं कि ये 17.1 BHP की जो मैक्सिमम पावर जनरेट करेगी और 14.4 Nm की जो टॉर्क वो जनरेट करेगी। इसका जो कंप्रेशन रेशियो हायर साइड पे है 11.3:1 की इसमें कंप्रेशन रेशियो मिलेगी। 6-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आपको मिलेगा असिस्टेंट स्लीपर क्लच दोनों इसमें मिलेगा और आपको इसमें मिलेगा डायमंड फ्रेम की चेसी मिलेगी आपको इसमें। आगे मैं बता दूं कि इसमें मिलेगा आपको सोवा के USD फोक्स मिलेंगे, अपसाइड डाउन गोल्डन फोक्स मिलेंगे सोवा के वो भी, और प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा रियर में आपको। ड्यूल डिस्क रहेगा इसमें और दोनों डिस्क आपको पेटल डिस्क मिलेंगे, और जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपके पास ऑप्शन होगा कि या तो आप ABS वेरिएंट ले या फिर नॉन ABS वेरिएंट ले। बात करते हैं इसके टायर की, जो टायर रहेंगे 17 इंच के रहेंगे और जो फ्रंट में मिलेंगे उसकी सेक्शन रहेगी 100x80 और साथ ही साथ जो रियर में मिलेगा आपको वो रहेगा 130x70। इसका भी जो टायर साइज है वो 17 इंच का ही रहेगा। दोनों ही टायर जो रहेंगे वो ट्यूबलेस रहेंगे और साथ ही साथ अलॉय व्हील्स के साथ आपको मिलेंगे। 782 mm इसकी सीट हाइट रहेगी, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm की है और साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और कम्प्लीट LED लाइट सेटअप आपको इसमें मिलने वाला है। प्राइस क्या रहेगी? प्राइस रहेगी 1.6 लाख, मतलब 1,60,000 एक्स शोरूम, और ये लॉन्च होगा बहुत टाइम अभी उसमें, अक्टूबर 2022 में ये लॉन्च होने वाला है। सो नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल सेगमेंट ऑफ आवर दिस एपिसोड, होंडा की फोर्जा 350। जो फोर्जा 300 आती थी उसको डिसकंटिन्यू करके और उसमें बहुत सारी कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट्स के साथ होंडा फोर्जा 350 को लॉन्च किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि होंडा फोर्जा 300 में आपको मिलता था 279cc का इंजन, जबकि अब मिलेगा 330cc का इंजन, और इसके बोर्ड को भी बढ़ाया गया है और लाइटर क्रैंक शाफ्ट के साथ एग्जॉस्ट और इनलेट पोर्ट पे वर्क करके यू विल गेट अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और साथ ही साथ आपको मिलेगा ज़्यादा पावर होंडा फोर्जा 350 में एज कम्पेयर टू फोर्जा 300। इसमें मिलता है आपको 29.2 BHP का मैक्सिमम पावर एट 7500 RPM और साथ ही साथ आपको मिलेगा 31.5 Nm का टॉर्क एट 5250 RPM। इसके अलावा बता दूं कि इसमें बहुत ही सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि इसमें अब आपको मिलेगा डुअल चैनल ABS, साथ ही साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा। जो फ्रंट में आपको मिलेंगे सस्पेंशन वो रहेंगे टेलीस्कोपिक फोक्स रहेंगे, और साथ ही साथ आपको रियर में मिलेगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। जो फ्रंट में डिस्क रहेगी उसकी साइज रहेगी 256 mm की, और रियर में जो डिस्क रहेगी उसकी साइज रहेगी 240 mm की रहेगी। फ्रंट में आपको मिलेंगे 15 इंच के एलॉय व्हील्स और साथ ही साथ उसका जो टायर सेक्शन होगा वो रहेगा 120x70 का, और रियर में आपको मिलेंगे 14 इंच के व्हील्स और जिसका जो टायर सेक्शन होगा वो 140x70 का रहेगा। इसकी जो एक्सपेक्टेड एक्सोरूम प्राइस है वो है अराउंड 3 lakh rupees। जो सीट हाइट मिलेगी वो मिलेगी आपको 780 mm की, और इसमें बहुत ही एक अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि इसका जो अंडर सीट स्टोरेज स्पेस है दैट कैन एकोमोडेट 2 full face helmets, मतलब आप उसमें 2 हेलमेट रख सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिलेगा। 3 कलर्स में ये अवेलेबल रहेगा, मैट ग्रे, पर्ल ग्रे या फिर मैट ब्लू में आपको मिलेगा। सो अब बात कर लेते हैं इसमें एडिशनल फीचर्स जो आपको मिलने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें मिलेगा आपको इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। आप जैसे अगर हार्ड ब्रेकिंग करेंगे ना तो जितने भी इसमें LED सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो लाइटिंग लगी हुई है, वो ना ब्लिंक करने लगेंगे बहुत जल्दी जल्दी, रैपिडली ब्लिंक करने लगेंगे। इसके अलावा इसमें लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल विंड स्क्रीन, जो कि आप 180 mm तक उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि पहले से आप 40 mm ज़्यादा कर सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें मिलेगा आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, साथ ही साथ आप जिसमें फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और फ़ोन रखने के लिए भी स्पेस अलग से मिलेगा आपको। इसके साथ इसमें कीलेस इग्निशन मिल जाएगी और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑफ द अपकमिंग होंडा बाइक लॉन्चेस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई Facebook पेज और Insta पेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।